व्हाट इज़ अप गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं एक और नई वीडियो। तो पिछले कल YouTube पे एक मूवी का टीज़र लॉन्च हुआ, नाम है आदि पुरुष। अब अगर भगवान के नाम पे कोई मूवी आ रही है तो उसको ट्रोल क्यों किया जा रहा है, तो उसी टॉपिक पर बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। क्योंकि उस मूवी में जम के CGI VFX एनिमेशन का यूज़ हुआ है और पर्सनली मेरा भी एनिमेशन से कुछ रिश्ता है, इसलिए मैंने सोचा कि CGI एनिमेशन VFX ही मूवीज़ में काम कैसे करते हैं। तो जितना मैंने नेट पे पता किया उतना मुझे पता लगा कि मुझे घंटा कुछ नहीं पता। मोशन ग्राफिक होता है जब आप चलते फिरते ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करते हो, उस पर इफेक्ट्स लगाते हो। उसके लिए आपको अलग से इक्विपमेंट चाहिए, अलग से कैमरा चाहिए रहता है, अलग से आपका सूट चाहिए रहता है। जो आप सूट पहनते हो, जो भी आपने मूवीज़ देखी होगी जिसमें आपका मोशन ग्राफिक का यूज़ होता है, उसमें अलग अलग सूट पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मास्त्र, जो अभी लेटेस्ट मूवी आई थी उसमें भी मोशन ग्राफिक्स का यूज़ हुआ हुआ था। ब्रह्मास्त्र का लेवल तो अलग सेट हो रखा है, तो उसकी कभी और देखेंगे, बात करेंगे। अब आदि पुरुष में ये समझ नहीं आ रहा है कि वो 2D एनिमेशन है, 3D एनिमेशन है, वो मोशन ग्राफिक है, वो क्या भेलपूरी है, ये समझ नहीं आ रहा। एक अच्छे से अच्छा एनिमेशन CGI VFX यूज़ करने के लिए आपको स्पेशल कैमरा, हाई रेंडिंग सॉफ्टवेयर, मोशन ग्राफिक सूट तक यूज़ करना पड़ता है। और यही नहीं, आपको उसके हिसाब से एक्ट भी करना पड़ता है। जो एक्टर्स होते हैं उनको एक्ट भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर अपने हाथ में आपने आग लगानी है तो उस हिसाब से आपको अपना हाथ भी मूव करना पड़ेगा, वो होता है मोशन ग्राफिक। और अगर इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट है 500 करोड़। ब्रह्मास्त्र का बजट था 450 करोड़, RRR का बजट था 550 करोड़। कंपैरिजन बनना तो लाजमी है, जिसमें 250 करोड़ सिर्फ CGI और VFX में ही यूज़ किए हैं, जिस वजह से इसके ग्राफिक्स अप टू द मार्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, हम सभी को पता है कि श्रीराम और रावण का करेक्टर कैसा है। रामायण का एक एक पार्ट हमारे दिल में बसा हुआ है और इस मूवी को सिर्फ उस एरा को दिखाना था। ऊपर से ये मूवी का ट्रेलर भी दिवाली और दशहरा के सीजन पे आया है। कंट्रोल, श्री राम का करेक्टर जैसा है उनको हम सर्वगुण संपन्न मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनको किसी भी तरह की बॉडी, किसी भी तरह के सिक्स पैक एब्स या फिर किसी भी तरह की फिजिक की ज़रूरत नहीं है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनकी जो आई कॉन्टैक्ट है, वही काफ़ी है। तो उसके लिए आपको सिक्स पैक एब्स या फिर डोले शोले दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और पर्सनली स्पीकिंग, मैं कोई मूवी रिव्यूअर नहीं हूँ, मुझे बस मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली जिनमें हाई ग्राफिक्स का यूज़ होता है। तो मैं उस हिसाब से ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि श्रीराम के रोल के लिए किसी और एक्टर को कास्ट किया जा सकता था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। और रावण के रोल के लिए क्या किया है आपने, इतना स्टाइलिश बन के तो मैं भी बाहर नहीं जाता हूँ। ब्लू आइज, छोटे बाल, लंबी दाढ़ी और यहाँ पे दो कट। रावण के करेक्टर में एक डेप्थ है, रगेड, रफ एंड टफ लुक है रावण की। नाम से ही पता लग रहा है, रावण शिवजी का सबसे बड़ा भक्त, रावण। और रावण की लंका सोने की थी, आपने डार्क दिखा दी, सोना कहाँ है इसमें। रावण का पुष्पक विमान जो विश्वकर्मा जी ने बनाया था उसको रिप्लेस करके आप ड्रैगन या फिर चमगादड़ ले आए हो। चलो ले आए, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे हो। सैफ अली खान वहीं का वहीं बैठा है और जो चमगादड़, ड्रैगन, व्हाटएवर जो भी है, वो ऊपर नीचे ऐसे हिल रहा है। VFX मजा नहीं आ रहा है। आपके सामने पूरी स्टोरी थी, आपने बस उसको रिप्रेजेंट करना था अच्छे ग्राफिक्स, अच्छे CGI की मदद से। अगेन आई एम टेलिंग, मैं कोई रिव्यूअर नहीं हूँ, मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, मुझे बस वीडियो पेलनी थी व्यूज़ के लिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब को भी अच्छे CGI की जरूरत है। बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट, मे भी कुछ अच्छा हो जाए। और मेरी वीडियो यहीं तक थी, यहीं पे सिमट गई। मैंने बस शेयर करना था कि VFX कैसे काम करते हैं। इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।